ਅਯੋ ਵੇਲਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੇ ਭਤੀਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਠ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਟੇਕ ਲਾਈਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ इमाम अली मकाम ने फरमाया वे अली अकबर राजी हैं मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलामों इमाम अली मकाम ने तलवार नाल टेक लाई है ऊंग आई नबियां दे सुल्तान दी ज़ियारत हुई हुसैन सबर कर जाई करबला दा मैदान है सामने 12,000 दा लश्कर किताबा दे अंदर मौजूद है 24,000 दा लश्कर मौजूद है 40,000 दा लश्कर मौजूद है 1,45,056 रियाज़ुल कुदस दे अंदर मौजूद है कि 1,45,056 यजीदी सामने खड़ा है इधर मेरे नबी पाक सल्लम दे 72 फुल खड़े हैं सरकार फरमाया हुसैन सबर कर जाई अल्लाह सबर दा अजर अता फरमाएगा अख खोली ते वेले नाल वक्त नाल मुखातब है वाह वेलिया किसे नाल वफा नहीं की थी आया मेरे नाने नु कंधिया ते बिठा के मदीने दी धरती च लै गया मेरे बाबा नु लै गया इतनी गल की थी जदो वड्डे वीर ना होण पैणा नाल होण ते वीरां दे दर्द मना लैंदियां ने सईदा ज़ैनब खैमे दे विच निकल के अपने वीर दे कंधे ते हाथ रख्या आख्या हुसैन अज कल्ले गल्लां पर करदे हो किसी कोल ना बिठा के गल कर दे आख्या भैन मैं वेले नाल गल्लां पिया करना वा किसी नाल वफा नहीं कीती मेरे नाना नू लै गया मेरी अम्मा ज़हरा पाक नू लै गया मेरे बाबा अली नू लै गया इतनी पैन पाइया की गल होंदी पी है 9 ते 10 की दरमियानी रात है अजीजा ने गरानी उधरों दुनिया के जालम उमरू साथ अपना लश्कर लैके खेमे के चारों तरफ आ गया सैयदजादी फरमाती है हुसैन इंज लगता है जिमें दुनिया का जालम जंग की तैयारी करके आ गए ने मेरे इमामे अली मकाम ने आवाज़ दी गाजी जी आका आख्या गाजी जा इस कमीने का पता कर ये कौन गाजी है जिस सारी जिंदगी हुसैन हुसैन नहीं आख्या आका कह के बुलाया एडा जवान ही गाजी एडा जवान ही गाजी जदों अरबी घोड़े ते बांदा कदम जमीन न लगते है तो अपने बाबा अली की तस्वीर आई नदर चुकिया ने भी बंदे नाल लैके जिहड़ी गल करा तां उहदा जिम्मेदार हो सां भी बंदे नाल लैके तारीख के हवाले नाल ही गल करांगा उहदा जिम्मेदार हो सां भी बंदे लैके बुजुर्ग उमरू साहब दे कोल गए आख्या उमरू साहब बार बार तू सानू तंग करना है की वजह है खैमियां दे कोल बार बार तू आना है उस कहे गाजी इको गल है या हुसैन नू कहे यजीद दे हाथ ते बैत कर लवे ते या जंग वास्ते तैयार हो जाए गाजी फरमाते ने चल मैं एक बार अपने आका हुसैन तो पूछ के आन दो गाजी आए ने किमें अदब नाल खड़े ने मेरे को अल्फाज नहीं नजर चुकिया ने आका वो कमीना आया है बार बार आंदा है ते आंदा हुसैन नू आखो यजीद दे हाथे बैत कर लवे या जंग वास्ते तैयार हो जाए मेरे इमामे अली मकाम ने फरमाया ये यजीद दे हाथे बैत करनी होंदी ते अपने नाना दा रोज़ा छोड़ के क्यों आंदा ये यजीद दे हाथे बैत करनी होंदी अम्मा ज़हरा दा रोज़ा छोड़ के क्यों आंदा कि यजीद दे हाथ से बैत करनी होंदी अपने वीर हसन का मज़ार छोड़ के क्यों आंदा जी इस कमीने के हाथ से बैत करनी है शराबी जानी बद किरदार शरीयत दी हदां तोड़न वाला है अगर ये बैत करनी होंदी तो मदीने दी गलियां जिन्हां विच मैं खेलदा रहा वह गलियां क्यों छोड़ के आंदा जा इस कमीने नू आख अज की रात दे देवे अज की रात देवे वह किसी डर ते किसी खौफ की वजह तो नहीं मंगते पै सिर्फ रब ते रब दे हबीब नू राजी करन वास्ते मंगते पै गाजी फिर दोबारा गए आख्या बे अज की रात मंगते पैने बैत नहीं होगी कल तेनों इस गल का जवाब देवांगे अजीजा ने ग्रामी जो रात का वक्त होया उमरू साहब मुस्कुरा के अपने साथियों को वेख्या उसने कहा कोई गल नहीं अज रात है फिर हुसैन किधे चले जाना है वाह हुसैन मैं तेरे सबर तो सदके जावा चारों तरफ यजीदी खड़े ने ते मेरे नबी पाक सल्लम दे फुल गुलाब दे फुल फुलां दी पंखड़ियां तो नरमो मुलायम चेहरे करबला दी धरती ते तपदियां रेता ते चार दफा दुनिया दे जालमां ने खैमे पुटे ने चार दफा खैमे पटा के जिथे सही तुप सी उत्थे सैयदजादियां दे खैमे लाए ने तवज्जो करी तेरी मेरी बेटी की गल होवे ते बंदा तड़प जांदा है हुसैन दी भैन या बेटी की गल होवे करबला वापसी पढ़नी शहादत नाल भी मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करांगा कि तुहानू बयान सुना के पूरा जावां मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलामो मेरे इमामे अली मकाम जदों शाम दा वक्त होया ना गाजी नमाज तो बाद जितने मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलाम ने मेरे गुलाम ने कट्ठे करिया जे मैं इन्हां नाल खिताब करना चाहना मैं चंद गल्लां करना चाहना ते जिस वक्त गाजी तू मेरा वीर है जिस वक्त मैं इन्हां नाल गल्लां करा ना चार
उस वक्त दीवा बंद कर दे जे जिहड़ा जाना चाहे जा सकता है। मेरे इमामे अली मकाम ने फरमाया दीवा बंद कर दे। जिस वक्त मजमा बह गया मेरे इमामे अली मकाम ने फरमाया बिलियो उन्हें दुश्मनी है ते मेरे नाले अल्लाह दी हमदो सना बयान की थी। अपने नाना ते दरूदां ते गजरे पेश किए अख्या दुश्मनी है ते मेरे नाले रौला है ते को मेरे नाले तुहाडे चो जिहड़ा जाना चाहता जा सकता है। सुनियो तवज्जो नाल सुनिया जे जिस वक्त इतनी गल की थी दीवा बंद है जेडे पिछे है ना बैठे सब तो पिछे बैठे है रब्बे काबा दी कसम पिछू उठ के कदमां दे विच आ के बह गए ने दीवा बलिया ते हथ बन गया ने असी वफादार हाँ असी बेवफा ने हुसैन सानू छड के ना जाई गलियां अज तेनू असी छड के टुर गए कल कमली वाले नू चेहरा की दिखावांगे। अजीजा ने ग्रामी जो रात का वक्त होया है सैयदजादे खेमिया के अंदर गए ने हर खेमे के अंदर आवाजा दे रहे ने कुरान की तलावत की जाए या नमाज पढ़ी जाए या दरूद पढ़िया जाए सईदा दे कोल खेमे दे विच सिर्फ या कुरान मिलता है या मुसल्ला रसूल मिलता है। अजीजा ने ग्रामी हर खेमे दे विच फिर सैयदजादियां नू मेरे इमामे अली मकाम ने खिताब फरमाया फिर हर खेमे के अंदर जाके कुरानो हदीस दी तलीम पे देंदे ने जदों अद्धी रात दा वेला होया के तियां वालियां वास्ते जुमला बोलन लगा मेरे इमाम अली मकाम अपनी बेटी सईदा सकीना दे खेमे दे अंदर गए ने वाह हुसैन तेरे सबर तो सदके जावा ते कुर्बान जावा। जदों सईदा सकीना दे खेमे विच गए ने अयो वेला मेरे भाईओ जरा तवज्जो करिया जे अज दा दिन मेरे नबी दी आल दे दुनिया दे जालमां ने टोटे कीते ने मेरे नबी पाक सल्लम दी आल नू कैदी कीता गया। जब इमाम हुसैन रात नू खेमे दे अंदर गए ने अपनी धी सकीना दे खेमे विच गए ने जदों सईदा सकीना दे खेमे विच गए ने तीन दिन हो गए ने पानी बंद है पानी दुनिया दे जालमां ने दिता जानवर पानी पी रहे ने परिंदे पानी पी रहे ने पर मेरे नबी दी आल पर पानी नहीं पी सकदियां जिहदी पाबंदियां ला दित्तियां ने। मेरे इमाम हुसैन जदों खेमे दे अंदर गए ने अजीजा ने ग्रामी वेख्या ते सईदा सकीना दियां अखां सुजियां होईयां ने मेरे इमाम ने अपनी धी नूं गल ना लाया गे आख्या सकीना सो जा बछड़ी क्यों ना सौंदी पई कोई घर दे विच ऐसे जी हुंदे ने बच्चे हुंदे ने जिहड़े मां बाप तों बगैर नहीं सौ सकदे। सकीना ने गल विच बाहां पा लईयां ने आख्या अबू जी मैं तुहानूं सुत्या नहीं वेख्या तुहाडे तों बगैर मैनूं नींद नहीं आउंदी आख्या टल रात गई हुण सो जा बछड़ी ते मेरी धी मासूम सकीना टल रात गई हुण सो जा बछड़ी ते मेरी धी मासूम सकीना सै वक्त अमीरी वेख्या नहीं ते जदों आया शहर मदीना कलडी गरवेले कलडी गरवेले उजड़ वैसे ते छिड़का दे सी शिमर कमीना अबू जी तुहाडे तो बगैर नींद नहीं आती अबू जी तुहाडे तो बगैर चैन नहीं आता। अजीजा ने ग्रामी जदों सुबह का वक्त होया है मेरे इमामे अली मकाम सरगी का वक्त है सब सैयदजादियां खेमे दे विच सईदा जैनब दे खेमे विच आ गई ने आदियां ने जैनब तेरा पिरास हुसैन कदी तेरी गल नहीं मोड़ी अज हुसैन नू आखो अली अकबर नू आके अजान सुना देवे जिवें नाने दी मस्जिद नबवी विच अजान दिंदे सर वाह हुसैन तेरा 18 साल का पुत्र है। अजीजा ने ग्रामी अपने नाने दे दीन तू कुरबान कर दिता ही 6 महीने का अली असगर कुरबान कर दिता ही अपने भतीजे कुरबान कर दिते नहीं अपना वीर गाजी अब्बास कुरबान कर दिता ही उमर अबू बकर उस्मान अपने वीर कुरबान कर दिते नहीं भी हजरत अली दे पुत्र ने। अजीजा ने ग्रामी जदों सईद आजादी दे खेमे विच सुभाइयां ने सब ने अर्ज की अज हुसैन नू आखो अज अपने पुत्र अली अकबर नू आखण इंतजार पड़े जिवें नाने दी मस्जिद नबी विच अजान पढ़दे सन। मेरे इमाम अली मकाम जदों खेमे अली अकबर दे कोल गए ने वाह सबर हुसैन दे तू सदके जावा तेरा मेरा बच्चा सरगी सुता वे अजान होवे असी आने ना ना मां बोल के आंदी बच्चे नू ना उठाया जे मेरे पुत्र दी नमाज नमाज जांदी ते टुर जाए लेकिन नींद खराब ना करिया जे साडी बदबख्ती है तत्तियां रेतां ते सैयद जदों अपने पुत्र दे खेमे विच गए ने वेख्या ते सराणे दी ढेक लाई हुई है सराणा किस चीज दा फोन दा सराणा नहीं है रेशमी रुमाल दा सराणा नहीं बनिया आ इंज करके रेत दा सराणा बनाया गे अपने नाने ते दरूदां दे गजरे पे पेश करदे ने आख्या सहरी वेले
जद चिड़िया बोलन ते आवाज इमाम ने मारी सैरी वेले जद चिड़िया बोलन ते आवाज इमाम ने मारी उठे अली अकबर अजान सुना जा उठे अली अकबर अजान सुना जा अज जग तो जांदी वरी मेरे इमाम अली मकाम नू पता मेरा सुबह अली अकबर भी विछड़ जाएगा वीर विछड़ जाएंगे अली अकबर उठे ने अजान दी है अजीजा ने ग्रामी इमामे बरहक ने अजान दी है मेरे इमाम फरमांदे ने अली अकबर जी अबू जी आख्या बेटा जा करबला दा जायजा ले गया करबला दा जायजा लैन वास्ते गए ने मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलाम जरा तवज्जो ना शहादत सुनिया जे एक साल तक फकीर दी गल याद रहेगी जदों अली अकबर जायजा लैन वास्ते गए ने एक वेख्या ते परदा बोझ अपनी चादर ततीर बिछा के छोटे छोटे कंगर उठा के गोदी विच रख दियां पईयां ने अली अकबर आवाज देंदे ने कौन जवाब नहीं मिलता तीन बार आवाज दी फिर वापस आ गए मेरे इमामी अली मकाम ने पूछा अली अकबर करबला दा जायजा लेके आ गया है अबू जी जायजा लेके आ गया वा आख्या अबू जी अर्ज की थी अबू जी एक मैं ऐसा मामला वेख्या एक पर्दा पोश अपनी चादर बिछाई है रेत मोटे मोटे रोड़े उठा के एक पत्थर उठा के अपनी गोदी दे विच रख दी पई ने मैं तीन आवाजा दीदिया ने औखे वेले मां बाप दुनिया तो टुर जावे औखे वेले याद आ जावे बंदे दियां टाई निकल जांदियां ने बंदिया नूं दुख होवे अपनी मां दी गोद च बंदा बह जावे जिवें खिची साहब आखिया सी कसम रब्बी दुख मुक जांदे ने बंदे दा मां बाप जिंदा होवे कोल होवे बंदे नूं तकलीफां बारों मिलन मां बाप सीने नाल ला गया तेरे पुत्रा तकड़ा हो जा सी तेरे नाल जदों आसमाना वल हाथ उठा के मापे दुआ करदे ने कसम पैदा करने वाले दी दुख मिट जाते ने अपने मापिया नू नाराज ना करे जे मेरी तबलीग भी नाल नाल याद रखे जे अपने मां बाप नू दुख ना देवे जे ना बुजुर्गां नाल प्यार करिया जे हुण हुसैन दे नाल कोई होर मदीने विचों नहीं आया होर मक्के विचों नहीं आया क्योंकि जंग वास्ते हुसैन नहीं आया सिर्फ शहादत सिर्फ अपने नाने दी शरीयत वास्ते आए ने सिर्फ नाने दे दीन वास्ते आए ने जंग वास्ते आउंदे ते मुहम्मद बिन अनफिया नाल आउंदे जंग वास्ते आउंदे ते मेरे नबी दे गुलाम नाल आउंदे सिर्फ अपने नाने दे रोजे तो छोड़ के आए ने इन्हां ज़ालिमां दुनिया दे ने खत लिख के बुलाया जी हजारां दी तादाद नाल खत लिख के बुलाया है जदों अली अकबर ने अर्ज़ की थी अबू जी मैं आवाज देना वा मैनू जवाब नहीं मिलिया मेरी मां दी जान निकल गई मेरे इमाम दी ढा निकल गई मेरे इमाम ने फरमाया ओ अली अकबर तेनू पता है ओ कौन है अबू जी मेनू कोई पता नहीं आख्या मेरी अम्मा फातिमा है ओ तेरी दादी फातिमा है पुत्रा मैं जद मदीने विच चलिया सा मैं मजार ते हाजरी दी सी मेरी अम्मा मेनू आख्या सी पुत्र हुसैन तो करबला दी धरती दे बाद च गिरेगा पहले मेरी चोली थले होवेगी वाह मां तेरी अजमत तू सदके जावा जदों सुबह दा वेला आया दुनिया दे जालम आवाजा देंदे ने मेरे मामी अली मकाम ने तैयारी की थी इन्हां दे खत सारे लैके घोड़े ते सवार हो गए कूफिया दे सामने जाके मामी अली मकाम ने खुतबा दिता अल्लाह दी हमदो सनाह बयान की थी है अपने नाना हजूर ते गजरां दरूदां दे गजरे पेश कीते ने आख्या दुनिया दे जालमो एक एक बंदे दा खत कूफिया दा सुनाया आ फलाना चौधरी दा खत इस तारीख नूं आया है आ फलाना चौधरी 150 खत दा वाक्या मौजूद है 12,000 खाता भी जिक्र मौजूद एक बोरी भरी खता दी मामी अली मकाम ने इंज करके सामने पेश कीते ने लेकिन वाह होर तेरे मुकद्दर तू सदके जावा मेरा मदनी भाई पहले फड़ के चला गया होर कदमा विच आ गया पता लगा तलवारां डिगन लग पईआं ने उमरो साथ दुनिया दा जाल जदों वेदा है मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलामो जदों उमरो साथ वेदा है सब तो पहले तीर उमरो साथ ने चलाया है उमरो साथ ने तीर चलाया ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਵਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੈਂ ਚਲਾਣ ਲਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਚਿੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਏ ਇਹ ਚਿੱਟ ਕੰਬਲ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ
नकल दे पंज घंटे शादर फकीर पढ़ के जांदा इयो सौण लगांदा फकीर पढ़ के जांदा लेकिन तुहाडी मजबूरी ते तुहाडा प्यार है कोई गल नहीं मैं तुहाडी मनन वास्ते तैयार हां। मेरे इमामी अली मकाम ने अपने पुत्र दी लहद कढ़ी है अपने पुत्र नूं विच रख्या के जाके खेमे विच चले गए ने जाके तैयारी कीती है सैयदा सकीना बोल के नहीं पुप्पो इंज पिया लगदा है जिवें मेरे पुत्र तैयार पौंदे ने सैयदा जैन उठिया ने इमामे हुसैन दे खेमे दे विच चलिया गई ने आखरी गल्लां पैण पाईआं दी हुंदीआं पईआं ने मेरे इमाम ने अपने सिर ते दस्तार अपने नाना वाली रखी है हाथ दे विच तलवार बाबे अली वाली पकड़ी है हजरत जाफर वाला नेजा पकड़िया के हजरत हमजा वाली ढाल पकड़ी है भैन तैनू नूं पता मेरे वीर विछड़ जाणा है इंशाल्लाह भैणां दे वीर ना विछड़न जिन्ना भैणां दे वीर विछड़न कसम रब दी कब्रस्तान दा राम मल लैंदियां जे इन्हां भैणां नाल नाराज ना होयो कदी हजारां मील दूर होण पिरावां दीआं कबरां माड़ियां मिल जाण अपने दरवाजे खुले छोड़ के आ जांदियां ने अजीजां ने ग्रामी दुआ भैन पाईआं दीआं गल्लां पियाउंदियां ने मेरे इमाम अली मकाम दा सैयदा ज़ैनवां दीआं ने आओ अगे अली अकबर तैयार करदे सन आओ मैं तैयार करना वा मैं तैयार करनी आ मेरे इमाम अली मकाम तैयार होए ने जदों तैयार होए ने आख्या ज़ैना भैन सबर कर जी सबर दा वेला की आख्या आओ मैं सब खैमियां दे विच सलाम पेश कर लवां शहर बानो दे खैमे विच आए ने कौन शहर बानो जद जरद दी पोतरी है सोने दे महलां विच रहण वाली है सोने दे महलां विच रहण वाली है सोने दे बर्तना विच खाना खान वाली है जदों मेरे इमाम अली मकाम खैमे दे अंदर दाखल होए ने शहर बानो कदमां ते गिर गई है जिन्हों पता वे मेरा सुहाग चंद लम्हियां दा मेहमान है उस बीवी दे दिल ते की गुजरदी होवेगी मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया शहर बानो मैं तेरे ते राजी हां मैं खुश हां मेरे नाल फकीरां ली जिंदगी गुजार छड़ी आ सोना दे महलां विच रहण वाली ही सै अपने सिर ते ताज नूं रज के वेख लै इस तों बाद हुसैन नगर नहीं आना जदों इमाम अली मकाम ने सलाम पेश कीता है शहर बानो कदमां ते गिर गई अर्ज कर दी आका कोई खिदमत च कमी पेशी रह गई होवे मैनूं माफ कर छड़िया जे मियां बीवी दी जिंदगी बड़ी तुरक पुरक तकल्लफ हुंदी है कोई जिंदगी विच कोई ना फरमानी होगी माफ कर छड़िया जे मेरे इमाम अली मकाम फरमांदे ने मैं राजी हां जदों मेरे इमाम निकलन लगे ने शहर बानो कदमां ते गिर गईआं ने कुंडल खोखरां दे नौजवानां तजिया करिया जे आख्या लोका दियां जद उजड़तियां ते टुर जांदियां ने कर पेके लोका दियां जद उजड़तियां ते टुर जांदियां ने कर पेके अधूर जिन्ना तियां ते सुहाग उजड़ जाण बाप लै जांदे ने जिन्ना तियां ते सुहाग उजड़ जाण बाप ना हुण ते वीर सीने नाल ला लैंदे ने जे वीर ना होण ते चाचे बाबे दे पुत्तर दा गल ना ला लैंदे ने सहारा बन जांदे ने आंदे ने भैण परेशाना वी तेरा बाप ते वीर कोई नहीं असी तेरे वीर अग्गा लोका दियां जद उजड़तियां ते टुर जांदियां ने कर पेके मैं उजड़ी किस पासे जावा ना सौरे रहना पेके हजूर मैनू ते सौरिया दा मैनू तो अपने पेक्या का भी पता कोई नहीं मैनू तो अपने बाबे का भी पता कोई नहीं मैनू तो अपने वीरां का भी पता कोई नहीं भला होवे हजरत उमर फरूक दा जिन्हां तुहाडे नाल निकाह पढ़ के सआदत बख्शी जी मेरे इमामे अली मकाम फरमांदे ने ज़ैना अपनी बाबी नूं गल ना ला लै जरा हौसला देवो आयो दृश्य मर दुनिया दा ज़ालम आवाज़ां पिया मारदा है मेरे इमामे अली मकाम जदों खैमे चों निकले ने सैयदा ज़ैनब बाबी नूं गल ना लाया के मेरे नबी पाक सल्लम दे गुलामों तुहाडे वक्त दी किल्लत दी वजह तों तेजी नाल पढ़ना पै गया मेरे इमामे अली मकाम दी भैण ने बाबी नूं सीने नाल लाया है आख्या भैण परेशान ना हो बाबी परेशान ना हो जदों नाने दे रोजे ते जावां दियां उत्थे सारियां दास्तानां सुना लवांगियां मेरे पुत्र टुर गए ने मैं सबर कर गई हां मेरा अली अकबर टुर गया मैं सबर कर गई हां अजीजा ने ग्रामी अगे सामने पैणा दा खैमा है मेरे इमामे अली मकाम अपनियां पैणा दे खैमे विच दाखल होए ने पैणा उठ के खड़ियां हो गईआं ने इस बार पता है किसे वीर सामने नहीं आना
ਪੈਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਸੂਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੜਪ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੋਨਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਣਾ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਬੀਵੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਉਹ ਧੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਸਹੀਦਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ ਸਹੀਦਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੇ ਕਹਿਣੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਦਰਾਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੇ ਵੀਰ ਟੁਰ ਜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ ਖੁਤਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਕਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਗਏ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭੈਣ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਏ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ ਉਹ ਕਰੋ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਸ ਵੀਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨ ਮੇਰੇ 18 ਵੀਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਵੀਰ ਆਖਾਂਗੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਗਲ ਨਲ ਲਾਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੀ ਸਕੀਨਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਏ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਬ ਆਬਦੀਨ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਪੁੱਤਰ ਏ ਬਿਮਾਰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਟੇ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਏ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅੰਡਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸਬਰ ਕਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖੀਏ ਵਲੈਤੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀਏ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਚੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਈ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਕੁੰਡਲ ਖੋਖਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਖਬੀਬ ਹੀ ਆਪਸਾ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਖਿੱਚੀ ਸਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈਣੀ ਬਾਪ ਨਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਬਾਬਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਿ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ
सिर दे साए खत्म हो जाते हैं। मजमे वाले नौजवान स्टेज से बह लियो, फकीर की गुफ्तगू नु तवज्जो नाल सुनिया जाए। मेरे इमाम ने आखिरी वसीयत की, सीने नाल पुत्र नु लाया, ओ किवे दर्द नाल आखिरी वारी मिले होणगे। अयो डीवर दा वेला होवेगा, अयो दिन होवे दा जुमे दा दिन हो सी, दस मुहर्रम दा वेला होवे दा हर नगर नगर बस्ती चू मैं गुजरता पिया है। लेकिन हर जगह ते इमाम हुसैन दा जिक्र हो रहा है, जिमें किची साहब ने आख्या के हुसैन दा जिक्र ते कर कर होना चाहिए है। आ टिक टक खत्म करके अल्लाह वास्ते हुसैन दा जिक्र सुनो। आ टिक टक ते फकीर की गल नु पहुंचा दो, पूरी दुनिया ते पता लगे जो पुत्र बाप नाल मिलता पिया। आखिरी मुलाकात बाप की वसीयत सुनिया जे, बाप अपने पुत्रा वास्ते मंदा कदी नहीं मंगता, भावे कमजोर बाप होवे। अगे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन जी अबू जी हुण बड़ी औखी गल है, हुण बड़ी औखी मंजिल अल मलक टुर गया है। आख्या ज़ैनुल आबिदीन मैं टुर चला वो जदू इन्हें लफ़्ज़ सुने होणगे, ओ सिर तू साए बाप दे उतरण ते पुत्र मंजिया ते डिग पौंदे ने, तिया पैर डिग पौदिया ने, भैं वीर दे सीनिया से डिग पौदिया ने। वे वीर छोड़ के ना जावी में मेरा पार तू सोना जवान ते पुख्ता जवान वीर। मेरे इमाम अली मकाम ने जदू आख्या लायो ज़ैनुल आबिदीन मैं चला वा मेरिया भैं नाल हो ज़ैनुल आबिदीन मेरिया भैणा नाल होन गिया, मेरिया भैणा नाल होन गिया, ओ मेरिया तिया नाल होन गिया, ओ मेरिया भाभिया नाल होन गिया, ओ कलिया ना छोड़ी ज़ैनुल आबिदीन। मेरे नाना दी शरीयत का ख्याल रखी, सारी जिंदगी ज़ैनुल आबिदीन 40 साल जिंदगी गुजारी है, फिर मुस्कराए ने। मेरे इमाम अली मकाम इजाजत ला के निकले ने, पुत्र बेहोश होके गिर गया आगे। अजीजा ने गरा भी जदो एक छोटा जा कम लाया कम है, जिदा ना सकीना है। मेरे इमाम अपनी धी के खेमे में आए ने, जदो खेमे के अंदर आए ने मेरे इमाम अली मकाम थले उतर के वेख्या तीन दिन के प्यासे सैयदादे ने, अपनी धी के खेमे में आए ने, अखा सुजिया हुईया ने, लब सुके हुए ने, जबान सुकी हुई है। तेरा ते मेरा पुत्र तीरा ती आवाज देवे अबू पानी चाहिए है। बाप उठ जाता कि चीजा बाप ना उठे, मां उठ के पानी लिया देती है। लेकिन मेरे इमाम यानी मकाम जो खेमे के अंदर आए ने आख्या सकीना सबर कर जाई अल्लाह सबर दा अजर देवेगा। इमाम हुसैन ने जो गल विच दीदियां बावां पाईया ने, अजीजा ने घर भी गल विच बावां पाईया ने, सईदा सकीना अर्ज कर दिया ने अबू जी इधर मेरा अली अकबर वीर गया के वापस नहीं आया, मेरा इधर कासम वीर गया वापस नहीं आया, मेरे उन्होंने मोहम्मद गए ने वापस नहीं आया, तुसी ना जाओ। मेरे इमाम ने चुम के चेहरा सीने ना ला लिया, आख्या सकीना या नाने दा दीन रख लै या बाप रख लै, इतनी गल की सईदा सकीना चुप कर गईया ने। मेरे इमाम मुर्तज सवारी ते सवार होए ने, जदू सवार होए ने सईदा सकीना कदमा नू घोड़े दे नू नहीं फिरदी होवे, सैयदादी ते कदमा नू फड़ के तरला करे मैं नहीं मनदा। तेरी तरीक गलत लिख सकदी है, तेरा मुहद्दिस गलत लिख सकदा है, तेरा रावी गलत लिख सकदा है। सैयदादी खैमे दे अंदर खड़िया होईया ने, इंज करके सैयदादी दे हत्थ तेरे मालका जिन्हां दे वीर टुर जावन जिन्हां दे बाप टुर जावन सिर दे साए मुक जांदे ने, इहनू घोड़े नू चलण दी ताकत ना देवया जे। मेरे इमाम ने मकाम घोड़े दियां लगामां चिकदे ने, घोड़ा जमाने आल विच बोल कर गदा मालका कदी अज बोलन दी ताकत देवे। हुसैन नाल मैं दो गल्लां ते कर लवां, एक घोड़ा हुसैन दा है। अजीजा ने ग्रामी घोड़ा अर्ज करदा है आका हुसैन मैं तुहाडा हुक्म किवें नहीं मन सकदा, लेकिन रखे सैयदादी रब दी बारगाह विच रो के दुआ भी कर दी है। तुसी जे मैनू मदीने आखो एक लम्मे दे विच लै के टुर जावांगा, पर सैयदादी दी गल नहीं मोड़ी जांदी, रब दा हुक्म नहीं चल सकदा। मेरे इमाम अली मकाम थले उतरे ने, जदू थले उतरे ने अजीजा ने ग्रामे फिर धी नू सीने नाल लाया है, आख्या बेटी अल्लाह रसूल दे हवाले इजाजत दे वो, और तियां दियां गल्लां बेड़ियां बन के कदमां नू पै जांदियां जे, तियां नू दुख आवे कसम रब दी
ओए बाप गरीबी होवे परदेसा चू पैदल टुर पंदा जे अंदने आवे दुख तकलीफ जे पियानो ते दंदे मां प्यान दला से आवे दुख तकलीफ जे पियानो ते दंदे मां प्यान दला से प्यों ना होवे वीर होवन ते थी वेंदे वकात भी पासे औखे वेले जैनम रही वे दिया से पासे मत किसे पासू आ जावे मेरा गादी वीर अबासे अपनी तीन मिलके सीने न लाया आख्या बेटी जाद दो आख्या करत करनी जानी अबू जी मेरे सवाल दा जवाब दे वो जिदा बाप दुनिया ते डर गया ते ते जुमला बोलन लगा मेरी मां फरमांदन बेटी दसो आके अबू जी लोकी यतीम किन्नू आंदे ने अबू जी लोकी यतीम किन्नू आंदे ने मेरी मां दी टा निकल गई है आके बेटी चंद लम्या तू बाद तेनू पता लग जाएगा के यतीम लोकी किन्नू आंदे ने मेरी मां आस्ताना आलिया पीर बारो शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारो शरीफ। ماشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا